मीडिया हमेशा लोगों के सरोकार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से सामने रखता रहा है। लोगों के दुख दर्द में जी मीडिया हमेशा खबरों के जरिए मदद पहुंचाता आया है। तो बता दें आपको कि गरीबी से तंग आकर और लाचार एक ऐसे परिवार की कहानी से इस वक्त आपको रूबरू कराते हैं जिसने बेबस होकर राज्य सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग की है बिहार सरकार से। इनके इलाज के लिए कहीं बहुत जगह हमने पैरवी किया, कहीं कुछ नहीं मिला। गरीबी, बीमारी और मजबूरी के तिहरे मार में ये परिवार इस कदर टूटा कि अब इनके सामने इच्छा मृत्यु के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। हम बेरोजगार हैं, कोई हमको सहारा नहीं है, किसी तरह का अपने प्रयास कोई मदद नहीं है। हम किसी से कर्जा कितना लें, कर्जा वाला हमको तंग करता है। जैसे कम कम में 2-3 लाख रुपये मेरे ऊपर कर्ज है, मकान का बहुत सा हमारे ऊपर किराया गिरा हुआ, मगर मालिक कहता है कि सामान ले बिक देता उठा के, वो तो कैसे कैसे हाथ पर जोड़ के मगर मालिक का भी रुके हुए। तो आखिर जब मेरा कोई साधन नहीं तो हम जी के क्या करेंगे। दरअसल फुलवारी शरीफ के रहने वाले टुन्नू रहमान का परिवार अब दाने दाने को मोहताज है। वजह है टुन्नू रहमान के बड़े बेटे की पहली पत्नी कैंसर के कारण मौत की आगोश में समा गई और दूसरी पत्नी अब हेपेटाइटिस बी के मकड़जाल में ऐसी फंसी कि रोम रोम कर्जदार हो गया। लिहाजा जब मदद नहीं मिली तो पूरे परिवार ने राज्यपाल और सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। मियाँ काम आने वाले एक ठो है बस, घर का किराया बहुत गिरा हुआ है, किराए में रहने वाले हमें, कर्जा में बहुत डूबे में हमें, घर घर के लिए मोहताज, कर्जा में बहुत डूबे में हमें। क्या चाहती है हमको, मेरी जिंदगी में सही कर दे, मेरे सब जैसा बीमारी जो है अपने आप को हत्या कर लेंगे अपने आप। जाहिर है इस परिवार की निगाहें उम्मीद के लिए अब बस सरकार की ओर टिकी हुई हैं। मदद ना मिली तो आर्थिक तंगी से बदहाल पूरा परिवार जिंदगी के खात्मे के लिए कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।